हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बेटा? तो एडवर्ब की नेक्स्ट एक्सरसाइजेस आज हम करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? तो ये सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर है, तो या फिर एरर नहीं होगा किसी सेंटेंस में, तो आप लोगों को ये बताना है कि वो एरर कहाँ पे है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनी ऑफ द टू फोटोज क्या है? एनी ऑफ द टू फोटोज विच रिफ्लेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग। कहता है एनी ऑफ द टू फोटोज विच रिफ्लेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर, दोनों में से एक फोटो, ठीक है, विच रिफ्लेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर, जो जिसमें कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी दिखाई गई है, इज वर्थ सीइंग, वो देखने के काबिल है। एनी ऑफ द क्या है? एनी ऑफ द टू फोटोज विच रिफ्लेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर, एनी ऑफ द टू फोटोज विच रिफ्लेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग, ठीक है? ये सेंटेंस है हमारे पास, तो बताओ इसमें एरर कहाँ है, ठीक है? बताओ, शाबाश, अब तो एरर निकालने आ गए होंगे आपको, पक्का आ गए हैं ना एरर निकालने, तो बताओ कहाँ पर है हमारा एरर? एनी ऑफ द टू फोटोज, ठीक है, एनी ऑफ द टू फोटोज विच रिफ्लेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग, यहाँ पर एनी नहीं आएगा, एनी की जगह क्या आएगा? ईदर, क्या आएगा? ईदर ऑफ द टू फोटोज, एनी नहीं यूज होता, ईदर ऑफ द टू फोटोज विच रिफ्लेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग, ठीक है? जब मैंने आपको समझाया था एनी और ईदर सबके डिफरेंसेस मैंने बताए थे ना, कहाँ एनी यूज हो रहा है, कहाँ ईदर, कहाँ आर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या यूज होगा? ईदर ऑफ द टू फोटोज विच रिफ्लेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग, ठीक है, समझ आ गई? चलो नेक्स्ट, ही हेट्स एवरीबॉडी, क्या करता है वो? हर एक को, हर एक से नफरत करता है। ही हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर, वो हर उस चीज से और हर इंसान, हर किसी से नफरत करता है, और हर चीज से यानी जो उसको याद दिलाती है, उसने जो ब्लंडर किया था उसके बारे में उसको याद दिलाती है, वो हर उस चीज से नफरत करता है। तो क्या आएगा? ही हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर, तो कहां पर है हमारा है एरर? बताओ शाबाश, कहां है हमारा एरर? ही हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, यहां पर जो हु लगा है ना, ये हु नहीं आएगा, यहां पर हु की जगह आएगा दैट, क्या आएगा? दैट, ठीक है, हु की जगह क्या आएगा बेटा? दैट। ही हेट्स, वो नफरत करता है एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, हर एक चीज को, ठीक है, दैट रिमाइंड्स हिम, जो उसको याद दिलाती है ऑफ हिज ब्लंडर, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? ही हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग दैट रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर। चलो नेक्स्ट, If someone has completed the work, they may leave. If someone has completed the work, they may leave. अगर किसी ने काम कर लिया है तो वो जा सकता है। बताओ यहां पर कहां पर है एरर? शाबाश। If someone has, क्या है? If someone has completed the work, हमारा सेंटेंस है If someone has completed the work. अगर किसी ने काम कर लिया है, ठीक है, दे में लीव, दे नहीं आएगा, यहां पर देखो सेंटेंस में क्या लगा हुआ है? समवन, ठीक है, तो क्या आएगा? इफ समवन हैज कंप्लीटेड द वर्क ही मे लीव, क्या आएगा? ही मे लीव, वह जा सकता है, तो दे की जगह क्या आएगा? ही, दे की जगह क्या आएगा? ही, समझ आ गई आप लोगों को? तो क्या सेंटेंस बनेगा? इफ समवन हैज कंप्लीटेड द वर्क ही मे लीव। नेक्स्ट, दिस वेस इज वन ऑफ द रेयर, दिस वेस होते हैं ना वेस, फ्लावर पॉट्स वगैरह वेस, ठीक है, तो कहता है दिस वेस इज वन ऑफ द रेयर, रेयर क्या होता है? जो चीज बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है, बहुत कम देखने को मिलती है। दिस वेस इज वन ऑफ द रेयर एंटीक पीस That are the prized possession of our family, जो कि prized possession है हमारी family के, ठीक है,
तो कहां पर है एरर? दिस वेस इज वन ऑफ द रियर, वन ऑफ द लगा है, वन ऑफ द मीन्स काफी सारी चीज, काफी सारे में से एक, ठीक है, वन ऑफ द, ठीक है, समझ रहे हो ना आप मेरे पॉइंट को, मैं क्या कहना चाह रही हूं। दिस वेस इज वन ऑफ द रेयर एंटीक पीस, दिस वेस इज वन ऑफ द रेयर एंटीक पीस दैट आर द प्राइज पोजेशन ऑफ अवर फैमिली। शाबाश, बताओ तो हमारा एरर कहां एग्जिस्ट करता है? दिस वेस इज वन ऑफ द रेयर एंटीक पीस दैट आर द प्राइज पोजेशन ऑफ अवर फैमिली। तो जहां पर हमारा एंटीक पीस है ना, वहां पर क्या लगेगा? पीसीज, क्या लगेगा? पीसीज। दिस वेस इज वन ऑफ द रेयर एंटीक पीसीज, क्या लगेगा? पीसीज, पी आई ई सी ई एस, पीसीज। दिस वेस इज वन ऑफ द रेयर एंटीक पीसीज दैट आर द प्राइज पोजेशन ऑफ अवर फैमिली। ठीक है, समझ गए आप लोग? नेक्स्ट, द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द टीचर इज ए फ्रेंड ऑफ मी। वो आदमी जो टीचर की साइड पे खड़ा है इज ए फ्रेंड ऑफ मी, वो मेरा फ्रेंड है। तो कहां पर है एरर, बताओ? शाबाश, बताओ शाबाश जल्दी। द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द टीचर इज ए फ्रेंड ऑफ मी, सेंटेंस समझ गए ना आप लोग? सेंटेंस क्या है? द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द टीचर, वो आदमी जो टीचर की साइड पे खड़ा है इज ए फ्रेंड ऑफ मी, वो मेरा दोस्त है। तो क्या आएगा? द फ्रेंड, द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द टीचर, वो आदमी जो टीचर के साइड पे खड़ा है इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा दोस्त है। वो क्या है? मेरा दोस्त है। द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द टीचर, द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द टीचर इज ए फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, तो नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन द एनुअल फेस्टिवल। क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने और इस यूनिवर्सिटी के चांसलर ने हैव गिवन हिज कंसेंट, उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी है टू ज्वाइन द एनुअल फेस्टिवल, कि एनुअल फेस्टिवल को ज्वाइन कर लिया जाए। तो शाबाश, बताओ एरर कहां है, बताओ, बताओ। शाबाश, जल्दी बताओ। द वाइस प्रेसिडेंट वाला पूछ रही हूं मैं, आएगा एरर निकालना, निकालो थोड़ा एरर आप भी, ध्यान से समझो सेंटेंस को। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी के चांसलर ने हैव गिवन हिज कंसेंट। अब देखो यहां पर कितने लोगों का जिक्र हो रहा है, एक तो द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ इंडिया, दूसरा चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, तो यहां पर हिज नहीं आएगा, यहां पर आएगा देयर, क्योंकि दो एक एक इंसान नहीं है, या तो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता तो यहां पर हिज लगा होता तो वो करेक्ट होता, लेकिन यहां पर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी के चांसलर ने हैव गिवन देयर कंसेंट टू ज्वाइन द एनुअल फेस्टिवल। ठीक है, समझ आ गई? चलो नेक्स्ट, व्हाइल द प्रेसिडेंट वाज इंस्पेक्टिंग द गार्ड ऑफ ऑर्डर, जब प्रेसिडेंट जो था वो इंस्पेक्ट कर रहा था गार्ड ऑफ ऑनर को, ईच ऑफ द सोल्जर, हर एक सोल्जर ने सैल्यूटेड हिम इन देयर टर्न,
हर एक सोल्जर ने जब उनकी बारी आई तो उसको सैल्यूट किया, ठीक है। व्हाइल द प्रेसिडेंट वाज इंस्पेक्टिंग द गार्ड ऑफ ऑनर, ईच ऑफ द सोल्जर सैल्यूटेड हिम इन देयर टर्न। तो क्या आएगा बताओ, शाबाश। बताओ शाबाश। बताओगे? While the president was inspecting the guard of honor, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है।